नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बेहद खास हो जाएगा। इसको खास बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान में कई बड़े बदलाव किए हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अंतिम चरण में ये बदलाव करने पड़े, देखिए हमारे संवाददाता कैलाश चंद की खास रिपोर्ट। ईडा सिटी में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 5% और बढ़ा दिया गया है। इससे अब रनवे की संख्या 6 हो जाएगी। पहले दो रनवे के बीच की दूरी 1600 मीटर रखी गई थी, अब 5% मास्टर प्लान में वृद्धि होने के कारण दो रनवे के बीच की दूरी 2400 मीटर हो जाएगी। खास बात यह रहेगी कि सभी रनवे रेलवे और रोड से कनेक्ट किए जाएंगे, जिससे आने वाले यात्री रेल और बस सुविधा से अपने ही रनवे पर उतरेंगे। यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि ये एयरपोर्ट दुनिया के तीसरे नंबर का एयरपोर्ट होगा। दुनिया में चुनिंदा एयरपोर्ट ही हैं जिनके पास इतने रनवे हैं। उन्होंने बीजिंग और इस्तांबुल एयरपोर्ट का उदाहरण देते हुए इसे 2400 मीटर करने का सुझाव दिया है। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में चल रहा है। इसमें दो रनवे और दो टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में विमानों की उड़ान शुरू होने की संभावना है। एक रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग 90% पूरा हो चुका है। साल 2025 में दूसरे रनवे के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निर्माणाधीन कंपनी ज्यूरिख को 40 साल की लीज पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसे अतिरिक्त 30 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस एयरपोर्ट में जो भी आय व्यय होगा वो ज्यूरिख का ही होगा। इसमें सिर्फ 418 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से नाइल कंपनी को मिलेगा। सूत्रों की माने तो उक्त 418 रुपए प्रति यात्री में भी विभाजन होना है, जिसमें 12.5% क्रमशः यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का होगा। इसके अलावा 37.5% क्रमशः नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा होगा। देखिए, एयरपोर्ट में जो हम लोगों ने पहला कंसेशन एग्रीमेंट किया है ज्यूरिख के साथ, तो 13 से 34 हेक्टेयर जमीन में है, जिसमें दो रनवे और दो टर्मिनल बिल्डिंग है और 70 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी के लिए किया गया है। उसके चार फेजेज हैं, 12 मिलियन के लिए, फिर 30 मिलियन के लिए, फिर 50 मिलियन के लिए, फिर 70 मिलियन के लिए। ये सब फेजेज हैं। ये जब प्लान पास हुआ तो 13 से 34 हेक्टेयर में जो भारत में प्रचलित व्यवस्था है तथा दुनिया के सारे देशों में है, वो 900 मीटर से लेकर के जो है वो 1500 से 1600 मीटर तक के डिस्टेंस दो रनवे में रखे जाते थे। उसी को आधार बना करके यहाँ पर 1600 मीटर का डिस्टेंस, 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस दो रनवे के बीच में प्लान किया गया था और यही मानक लगभग पूरी दुनिया में था। लेकिन जब एयरपोर्ट का साइज बहुत बड़ा होता है तो हर एयरपोर्ट के सारे टर्मिनल को जोड़ने के लिए, पैसेंजर फैसिलिटी के लिए, एयरक्राफ्ट के खड़ा होने के लिए और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए सारी चीज़ें अंडरग्राउंड ज़रूरत पड़ती है, जो कि रनवे के साथ जुड़े हुए टर्मिनल बिल्डिंग तक जाए, चाहे रेलवे हो चाहे रोड हो। अब चूंकि जो जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें रेलवे और रोड दोनों की कनेक्टिविटी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अंडरग्राउंड रहेगी, अंदर तक रहेगी। उसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि इस मास्टर प्लान को फिर से रिविजिट किया जाए। इसके लिए ज्यूरिख ने एक प्रस्ताव दिया है कि आपने जो 13 से 65 हेक्टेयर जमीन ली है, जिसमें आप एक रनवे बनाएंगे और एविएशन हब बनाएंगे, क्योंकि उनके 13 से 34 में दो रनवे बन रहे थे और उससे ज़्यादा 13 से 65 हम ऑलरेडी सेकंड फेज में ले चुके हैं, हमारे पास ज़मीन आ चुकी है। तो उनका कहना है कि अगर दो रनवे के बीच में जगह बढ़ा दिया जाए तो आसानी से यहाँ एक रनवे भी बन जाएगा, डिस्टेंस भी 1600 मीटर की जगह पर 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर हो जाएगा और एविएशन हब भी बन जाएगा। और बाकी जो पहले तीन रनवे बनने थे, उन तीन रनवे में भी चूंकि हमने एरिया भी एयरपोर्ट का नए मास्टर प्लान में हमने बढ़ा दिया है, एडिशनल कम 1100 हेक्टेयर ज़मीन जोड़ी है, तो उसके साथ सभी रनवेज के बीच में 2400 मीटर का दूरी कर दिया जाए। इससे जो है कनेक्टिविटी और साथ ही साथ पैसेंजर फैसिलिटी और टर्मिनल बिल्डिंग और जो है एयरपोर्ट ऑपरेशन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा जो जहां पर छा रनवे हैं, चाहे इस्तांबुल में जो नया एयरपोर्ट बना है, जो प्लान्ड है, फंक्शनल हो गया है तीन रनवे के साथ, तीन अभी उनका प्लान्ड है, और साथ ही साथ चाइना में जो बन रहा है वहाँ भी चार बन गया है, दो अभी प्लान्ड है, तो वहाँ पर दूरी 2400 मीटर रखी गई है। तो फ्यूचर में
जिस तरह की एयरपोर्ट फैसिलिटी और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, हैंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पैसेंजर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी और सारी सुविधाएं जो है यात्रियों को जो है वो अंडरग्राउंड ही मिलेगा, उसको देखते हुए रनवे की दूरी 1.6 से 2.4 किलोमीटर रखने का प्रस्ताव है, जिसको मास्टर प्लान एक्स कहा गया है। इस पर PwC स्टडी कर रही है, बाहर की स्टडी हो गई है और उसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके क्या पॉजिटिव है, जिसको हम सामान्य भाषा में स्वॉट बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस बोलते हैं, वो चल रही है और इस प्लान को फिर जो प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को हम उत्तर प्रदेश सरकार भेजेंगे, सरकार फिर इस पर निर्णय लेकर के इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इससे भविष्य का जो बनने वाला एयरपोर्ट है, जिसकी 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी होगी जब सभी 6 रनवे तैयार हो जाएंगे और कार्गो का भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसको देखते हुए मास्टर प्लान एक्स जो है एयरपोर्ट के विकास में, उसके फ्यूचर ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।